सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर वाला क्विज क्वेश्चन नंबर वन से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच सिटी हैज बीन रैंक्ड द टॉप इन द मार्कर्स इंडेक्स ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन जो कि है वियना। वियना को मार्कर्स इंडेक्स ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज में नंबर वन पे पायदान मिला है। और गाइस इंडिया के सिटी के अंदर में सबसे टॉप नंबर पे है वो चेन्नई और उसका पोजिशन है 11th। कितना? 11th वे पोजीशन पे है मार्कर्स इंडेक्स ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज के लिस्ट में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इन व्हिच सिटी स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स 2019 हैज बीन स्टार्टेड। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है अबू धाबी यूएई। यूएई के अबू धाबी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2019 अभी से स्टार्ट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, Which bank has launched doorstep banking service for senior citizens over 70 years of age and differently abled customer? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है SBI। SBI ने अभी ये लॉन्च किया है जो कि doorstep banking service, जो किसके लिए अवेलेबल होगा, जो मतलब विकलांग होंगे या फिर जिनका एज होगा 70 years से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फोर, Which country has been elected as the deputy chairman of the general body of the parliamentary union of organization of Islamic corporation? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान बना है OIC के डिप्टी चेयरमैन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, इन व्हिच सिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 विल बी हेल्ड ऑन अगस्त 22-23 इन 2019? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है बेंगलुरु। हाँ तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, इन व्हिच सिटी इंडिया यूएस फॉरेन ऑफिस कंसलेशंस वाज हेल्ड? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है Washington DC। वाशिंगटन डीसी में इंडिया यूएस फॉरेन ऑफिस कंसलेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, इन व्हिच सिटी 2020 एडिशन ऑफ द टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट विल बी हेल्ड? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में 2020 के एडिशन का टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, हु हैज वन द 12th हीरो आई लीग फुटबॉल चैंपियंस इन कोयम्बतूर? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है चेन्नई सिटी। चेन्नई सिटी ने जीता 12वीं हीरो आई लीग फुटबॉल चैंपियनशिप। कहाँ जीता? वो कि कोयम्बतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री? तो गाइज संतोष झा नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के कौन से सिटी, मतलब कौन से कंट्री के लिए? तो गाइज इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है उज्बेकिस्तान। कहाँ के लिए? उज्बेकिस्तान के लिए संतोष झा नेक्स्ट एम्बेसडर सिलेक्ट हुए हैं और अपॉइंट हो सकते हैं। द 4th IOT इंडिया कांग्रेस विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो गाइज इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वाज रिसेंटली प्रिजर्व्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड ऑफ इन द कंट्री? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है सुंदरबन। सुंदरबन को अभी है प्रिजम किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली एरो टर्मरिक ऑफ व्हिच स्टेट गॉट ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु की एरो टर्मरिक को अभी GI टैग मिला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु विल हेड द कमिटी दैट हैज बीन सेट अप टू रिफॉर्म हायर एजुकेशन इन द नेशनल कैपिटल? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है जसमीन शाह। जसमीन शाह हेड करेंगे जो कमिटी बन। हाँ तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड व्हिच अदर कंट्रीज यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड ए कोलैबोरेशन टू जॉइंटली डेवलप स्ट्रेटजीज टू रिसॉल्व हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यू लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर ए जो कि है इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक तो यूनिवर्सिटी इंडिया के साथ मिलकर ये कोलाबरेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु रिसेंटली स्टेप डाउन एज द चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज फिनसर्व। तो क्या जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है राहुल बजाज। राहुल बजाज ने अभी स्टेप डाउन किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Which company was announced as official sponsor of the upcoming men's cricket world cup 2019? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है गोडेडी। गोडेडी ने अभी अनाउंस किया है ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया ग्रांटेड हाउ मच लोन असिस्टेंस टू नेपाल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया ऑफ हाउसिंग एजुकेशन हेल्थ एंड कल्चरल हेरिटेज। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है $250 मिलियन। कितना? $250 मिलियन देने का वादा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च ए चाइल्ड केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बने हैं जिसने लॉन्च किया है चाइल्ड केयर फैसिलिटी टू ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिफ्थ SAAF वुमेन्स चैंपियनशिप इज बींग हेल्ड इन व्हिच कंट्री। तो गाइज इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है नेपाल। नेपाल में ये अभी चैंपियनशिप होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो क्या है जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है आदित्य कुमार मिश्रा। आदित्य कुमार मिश्रा को अपॉइंटेड किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्वायरमेंट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन नाबदेव त्यागी ऑल्सो नोन एज ए कंप्यूटर बाबा एज चेयरमैन ऑफ ए रिवर क्रॉस्ट। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। किन्हें अपॉइंट किए हैं? नामदेव त्यागी को। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो गाइस इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है राकेश मखीजा। राकेश मखीजा को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक अपॉइंट किया गया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइज लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर कल सुबह।